क्वेश्चन नंबर नाइन बोल रहा है कि हमें हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है। मैट्रिक्स ए हमें दिया हुआ है ऑर्डर 3 का। सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज में रो कॉलम इंटरचेंज होगी, फर्स्ट रो हमारी फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकेंड रो हमारी सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो हमारी थर्ड कॉलम। क्लियर। अब हम निकालते हैं हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो हाफ बाहर रहने देते हैं, ए हमारा हो जाएगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 प्लस 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0 हमारा ये ए ट्रांसपोज ब्रैकेट क्लोज। हाफ बाहर ही रहने देंगे। अब इनको हम ऐड करें तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, 0 का 0 में ऐड होगा तो 0 आएगा, ए माइनस ए इज़ 0, बी माइनस बी इज़ 0, माइनस ए प्लस ए इज़ 0, 0 प्लस 0 इज़ 0, सी माइनस सी इज़ 0, माइनस बी प्लस बी इज़ 0, माइनस सी प्लस सी इज़ 0 और 0 प्लस 0 इज़ 0। हाफ का अगर अंदर इंटू भी करते हैं हर एक एलिमेंट में तो हमें एक नल मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो हमने निकाल लिया हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब हम निकालते हैं हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो हाफ बाहर रहने देते हैं, ए हमारा हो जाएगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 माइनस सॉरी ब्रैकेट गलत लगा दिया था 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, हाफ बाहर ही रहने देंगे। तो 0 माइनस 0 इज 0, ए माइनस ऑफ माइनस है तो ए प्लस ए इज 2 ए, बी माइनस ऑफ माइनस बी इज 2 बी, माइनस ए ऑफ माइनस ए माइनस टू ए, जीरो माइनस जीरो इज जीरो, सी माइनस ऑफ माइनस सी इज प्लस टू सी, माइनस बी ऑफ माइनस बी इज माइनस टू बी, माइनस सी ऑफ माइनस सी इज माइनस टू सी एंड जीरो माइनस जीरो इज जीरो। हाफ का अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 आ गया। ठीक है, ठीक। तो हमने क्या करा, हाफ से मल्टीप्लाई किया अंदर, तो सब जितने भी टू थे वो कट जाएंगे तो हमारे पास वापस वही मैट्रिक्स आ रहा है, देखो ए है ना। तो हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज हमें वापस ए मिल रहा है। रीज़न क्या है, ए क्यों मिल रहा है, क्योंकि देखो इसके डायगनल सारे 0 थे, डायगनल के एलिमेंट्स क्या थे, सारे 0 थे, और डायगनल के अपर एलिमेंट्स और लोअर एलिमेंट्स का साइन क्या थी, अपोजिट थी। मतलब ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जब भी हम उसके ट्रांसपोज के साथ सब्ट्रैक्ट करके हाफ से डिवाइड करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे, तो हमें वापस वही मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर।